मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे नई यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू द कैनाल रेगुलेशन एंड ऑल्सो डिफरेंट आस्पेक्ट रिलेटेड टू द कैनाल आउटलेट एंड द रिवर ट्रेनिंग बट उसके पहले हम लास्ट यूनिट का जो एक टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करेंगे दैट इज द वाटर लॉगिंग तो व्हाट इज वाटर लॉगिंग इसको आप यहाँ पे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे इसी डेफिनेशन को एंड दैट इज ना सी व्हाट इज वाटर लॉगिंग इट इज अ फिनिना इन विच द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड गेट्स अफेक्टेड डू टू राइज इन द वॉटर टेबल लीडिंग टू द फ्लडिंग ऑफ रूट जोन ऑफ द प्लाट्स तो वॉटर लॉगिंग किससे रिलेटेड है यदि पानी कहीं पर जमा हो जाता है तो डेट इज कॉल्ड इज वाटर लॉगिंग बट हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैनल वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉटर विच विल बी अल्टीमेटली डिलीवर टू द फील्ड्स ओके तो जो वाटर लॉगिंग है वो अल्टीमेटली क्रॉप्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगी इन केस द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इज देयर इन द फील्ड तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरी चीज इट कैन ऑल्सो लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ राइज इन द वॉटर टेबल दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इफ इट इज मोर देन द दफिशियंट और द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी देन इट लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द रूट जोन यदि रूट जोन किसी भी प्लांट का वैसे दिस इज द प्लांट दिस इज द रूट जोन और ये ग्राउंड लेवल है तो यदि यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है ओके द वॉटर सम हाउ रीचिज हेयर ये तो ग्राउंड लेवल है एंड द वाटर सम हाउ रीचिज हेयर वाटर टेबल यहाँ पे पहुँच जाता है नो वॉट इज है दिस रूट्स ऑफ द प्लांट, दिस रूट्स ऑफ द प्लांट, विल हैव नो स्पेस टू ब्रीथ And if the breathing problem is there for the roots then the plant growth will be hampered. Okay? so the plant growth will be hampered. So that is why we have to see and look after the topic of water logging. Now let us talk about the water logging different different causes why it happens. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द इनडिकुट सरफेस ड्रेनेज अगर पानी ग्राउंड पे मौजूद है बट वो पुरानी पानी ड्रेन ऑफ नहीं कर पा रहा है दैन इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट विल कॉज द वाटर लॉगिंग यदि मैं आपको शहरों की बात बताऊँ इस समय तो शहर में पानी की समस्या इसलिए हो जाती है कभी फ्लैश फ्लड होते हैं और वाटर इसलिए जाम हो जा रहा है क्यों क्योंकि वहाँ पर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज यदि ड्रेनेज प्रॉपर है देन देर इज अ आउटलेट फॉर द वाटर टू गो सिमिलरली देर इज अ प्रॉब्लम इन द फील्ड्स विच इज देयर सेकेंड इज दीपेज फ्राम द कैनाल सिस्टम सोफ आई से डेट दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल तो वाटर तो यहाँ पर ही स्टोर्ड है तो वाटर यदि मैं बात करूँ तो इस जोन में ही है बट द वॉटर विल बी सीपिंग अगर यह अनलाइनड कैनाल है कोई लाइनिंग नहीं है तो वाट विल है वाटर विल सीप एंड देन मूव ऑन टू द सराउंडिंग एरिया और जो यहाँ पर जो भी फील्ड होगी यहाँ पे आस पास डेट विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड सेकेंड इज ओवर इरीगेशन ऑफ द फील्ड्स कई बार आपने देखा होगा सुना होगा कि हम ओवर इरीगेट कर देते हैं फील्ड्स को मोर देन द वाटर डैट इज रिक्वायर्ड सो डैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम हम ये सोचते हैं कि अभी आज डाल देते हैं पानी क्या पता आगे बारिश होना हो बट डैट विल ऑल्सो लीड टू अ प्रॉब्लम ओके इन केस ऑफ एक्सेस रेनफॉल देन फोर्थ पॉइंट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल ड्रेनेज क्या पता कहीं पे नेचुरली वाटर फ्लो करने के लिए जगह दे रखी हो वहाँ पे प्रोवाइडेड है नेचुरली बट इफ इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड टू डू सम और द अदर मास देयर

सॉयल बैक्टीरिया के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर एंड डिफरेंट कंडीशन शुड बी देयर डेट आर सुटेबल फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सॉयल बैक्टीरिया सो डेट इट कैन एक्टिवली फंक्शन बट वाटर लॉगिंग की वजह से इट्स एक्टिविटी इज इनहेबिटेड एंड दैट इज वाई द ग्रोथ ऑफ द प्लाट इज़ हेम्पर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लान इज हेम्पर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन द अवेलेबल कैपलरी वाटर यूजली जो प्लांट्स पानी लेते हैं वो कैपलरी वाटर से लेते हैं ना कि वाटर टेबल से बेसिकली सो दिस डिक्रीज़ इन अवेलेबल कैबरी वाटर इज देयर ड्यू टू दाटर लॉगिंग फॉल इन सॉइल टेम्परेचर इज देयर बिकॉज सम गुड अमाउंट ऑफ और हाइयर टेम्परेचर वुड से विल बी प्रिफर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द प्लांट्स एंड सॉइल टेम्परेचर शुड ऑल्सो भी हाइयर तभी आप देखते हैं जब ठंडी का मौसम रहता है तो उस समय क्या होता है प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है या फिर थोड़ा कम हो जाती है अपार्ट फ्राम जो उसी सीजन के क्रॉप्स हैं बेसिकली ग्रोथ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा ओके डैट इज जो वाटर हाइसेंस हैं जो कि जल कुंभी जिसे हम बोल देते हैं देन बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग देर इज डिफेक्टिव एयर सर्कुलेशन दैट इज ऑल्सो देर बिकॉज ऑफ द डैम्प एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट देन देर इज राइज इन द लेवल ऑफ सॉल्ट तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है उस सराउंडिंग एरिया में देन देर इज डैम्प क्लाइमेट एंड डैम्प क्लाइमेट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर द फॉर द एरिया एंड द पीपल लिविंग देर बिकॉज इट इज इट इज अ ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज सो मलेरिया चिकनगुनिया और तमाम तरीके की बीमारियाँ वहाँ पर हो सकती हैं नाउ वी टॉक अबाउट एंटी वाटर लॉगिंग मेजर्स हमने कॉज देखे इफेक्ट देखे अब हम इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज द लाइनिंग ऑफ द कैनाल सेकेंड इज़ द रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन उतना ही इरीगेशन करिए जितना वहाँ पर रिक्वायर्ड है उस लैंड के लिए जितना रिक्वायर्ड है थर्ड पॉइंट इज द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर फोर्थ इज द प्रोविजन ऑफ इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स अलॉन्ग द कैनाल तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पानी एक्सेस होगा दैट विल बी ड्रेंड आउट बाय दीज इंटरसेप्टिंग ड्रेन देन फिफ्थ पॉइंट इज डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर बाय पंपिंग सो अगर वाटर डेबिल बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाएगा जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है तो यू शुड बी पंपिंग आउट द वॉटर दैट इज देयर सो दट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लॉस विच इज देयर क्योंकि हमने एक तरीके से पानी को स्टोर तो करवा दिया ग्राउंड में बट नाव वी हैव टू पम्प आउट दट सेम वाटर विच कैन भी यूज फॉर सम अदर परपज ऑल्सो ना वी टॉक अबाउट द लॉसेज इन द कैनाल तो लॉसेज जब हम कैनाल की बात करते हैं तो आप ये कैनाल समझिएगा कि इफ दिस इज अ अपल सेक्शन कैनाल और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है जो आपको दिख रहा है ओके द वॉटर इज गेटिंग स्टोर्ड हेयर बट ये क्या होता है ये किसी लेंथ तक जाएगा लेट से एन नंबर ऑफ एन किलोमीटर लेंथ का ये कैनाल है तो so, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन So, लेके इस एन किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं यदि आप तो वाट विल हैपन दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज बट गेटिंग स्टोर्ड हेयर तो एक तरीके से ये रिजर्वायर ही है बट बहुत ही संकुचित एरिया में है बहुत ही छोटे एरिया में है सो वॉट विल हैपन इवेपरेशन लॉस विल बी अकरिंग सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स दट इज ऑफ रिजर्वायर लॉसेज और दूसरा होता है सीपेज लॉस सीपेज लॉस विल ऑल्सो अकर वेन इट विल अकर वैन द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज नॉट देयर सो दिस आर द टू लॉसेज दैट विल बी अकरिंग

जो कि आपने ये सब चीजें देख रखी थी कहां पर हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल डिस्कस किया था दिस इज द एम्बैंकमेंट ऑन बोथ द साइड्स यहां पे यह एम्बैंकमेंट दिस इज द एम्बैंकमेंट और ये क्या है दिस इज द कैनाल दिस इज द ग्राउंड लेवल और पानी यहां पे कैनाल में स्टोर्ड है ओके नाउ वॉट विल हैपन अगर पानी यहां पे स्टोर्ड है तो दिस जोन विल ऑलवेज बी अ अचुरेटेड जोन बिकॉज द वाटर इज ऑलवेज स्टोर्ड है ओके okay? तो ये पोर्शन जो है सेचुरेटेड जोन होगा बिकॉज देर विल बी सम सीपेज डेट विल बी अकरिंग हेयर ओके बट इसके बाद क्या हुआ हमने इसमें एब्जॉर्प्शन में हम तब देखते हैं एब्जॉर्प्शन वाला फिनमिना जब वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा नीचे है जो जोन ऑफ सैचुरेशन है यदि हम इसको वाटर टेबल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पे तो दिस इज द वाटर टेबल एंड इट इज़ एट अ कंसिडरेबल डेप्थ दैट इज एट अ मच हायर डेप्थ एज कंपेयर टू लाइक इफ आई से दिस सिचुएशन ओके okay. तो यहां पे क्या होगा ये तो सैचुरेटेड जोन हो गया दिस पोर्शन बट ये जो पोर्शन है दिस इज द अनसेचुरेटेड जोन तो यहां पे तो कोई भी पानी मौजूद नहीं है ना तो यहां सेचुरेटेड बल्ब वाला ना तो यहां से वाटर uh, टेबल वाला बट जोन ऑफ सेचुरेशन जहां पे भी होगा वहां से क्या होगा कैपिलरी फ्रिजेस राइज कर जाती हैं एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो सेचुरेटेड विद वाटर डू टू द हेल्प ऑफ कैपिलरी फ्रिजेस सो दैट इज द कैपलरी जोन तो ये रही बात एबजॉर्ब्शन की यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया डायग्राम में अब यहाँ पे इसको वर्ड्स में देखते हैं वेन द वॉटर टेबल इज़ कंसिडरेबली बिलो द ग्राउंड लेवल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सीपेज वाटर इज अनेबल टू जॉइन द वाटर टेबल एंड इट वेट्स द सब सॉयल लोकली फॉर्मिंग सेचुरेटेड बल्ब तो जो सीपेज वाटर है वो क्या कर रहा है वो वाटर टेबल तक मिल नहीं पा रहा है जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे है तो दैट इज नॉट एबल टू जॉइन द वॉटर टेबल सो नाउ वॉट इज हैपनिंग अन सेचुरेटेड जोन लाइज इन बिटवीन द कैपलरी जोन और ये कैपलरी जोन किसकी वजह से बना है ये बना है वाटर टेबल की वजह okay? uh, uh, the okay? से द सेचुरेटेड वाटर जोन की वजह से ओके एंड द सेचुरेटेड जोन दैट इज एट द ऑफ़ द टॉप ऑफ द डाइग्राम देयर ओके जो ग्राउंड लेवल से जस्ट नीचे का पोर्शन है नॉफ्यू टॉक अबाउट द परकुलेशन तो पर्कुलेशन पहली बार तो डिफरेंस कहाँ पर आता है ऑब्जॉर्बेशन से पर्कुलेशन तब होता है तब हम मानते हैं जब जो वाटर टेबल है दैट इज एट अ लेसर हाइट और डेप्थ एज कंपेयर टू द प्रीवियस डायग्राम ओके सो दिस इज सेम एम्बैंकमेंट दिस इज द कैनाल बेड ओके दिस इज द कैनाल बेड हेयर एंड द वॉटर इज स्टोर्ड इन दिस कैनाल लाइक दिस ना वॉट हैपन्स हेयर कि जहाँ पे भी वाटर टेबल है उससे कुछ जोन तक तो क्या होगा द कैपलरी राइज विल भी देयर कैपलरी फ्रिंजर लाइक दिस नो वॉट है वॉटर जस्ट सिंपली दिस इज द फ्लो लाइन बिकॉज दिस वॉटर विल सिंपली ज्वाइनिंग दिस वॉटर टेबल एंड द वॉटर दिस कैपलरी फ्रिंजेस तो पर्कुलेशन में यही चीज है कि वेन दॉटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड लेवल देन दीपेज वाटर ऑफ द केनाल of the canal may establish a direct flow between the canal section and the water the zone between the canal bed and the water table remains fully saturated that is there once a uh, once a direct flow is established between both of them then the seepage loss depends upon the head difference between the fsl of the canal and the water table so that is the thing now you already you should understand here that

ओके सो यदि आप लैंड पे किसी तरीके से पाइप या कुछ और सिस्टम लगा सकते हैं जिससे पानी मूव कर जाए बाहर की तरफ और उसको रास्ता मिले बाहर जाने के लिए सो दैट इज कॉल्ड एज द लैंड ड्रेनेज इच इज इट इज अचीव्ड बाय अ वैरायटी ऑफ लैंड ड्रेन्स लैंड ड्रेनेज इंक्लूड्स ऑल द रिवर्स ऑल द स्ट्रीम्स डिचेज कलवर्ट डाइक्स स्लूसेज स्लूसेज नथिंग बट द काइंड ऑफ गेट्स ओके एक तरीके से गेट होते हैं एंड द पैसेजेस थ्रू विच द वाटर फ्लोज तो किसी भी तरीके से हमें पानी को अगर आउटलेट मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द लैंड ड्रेनेज ड्रेनेज दो प्रकार के हैं एक सरफेस ड्रेनेज एक सब सरफेस ड्रेनेज यदि सरफेस से ही आपने पानी को वाटर को बाहर निकाल दिया है लैंड पे से दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस ड्रेनेज एंड इफ योइंग सम अंडरग्राउंड सिस्टम और सब सरफेस सिस्टम देन इट इज कॉल्ड अ सब सरफेस ड्रेनेज पहले हम बात करते हैं सरफेस ड्रेनेज की इट इज एक्सेस वॉटर रिमूवल बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन डिचेज फील्ड ड्रेन एक्सेट्रा देन इट इज कॉल्ड एज द सर्फेस ड्रेनेज लैंड इज स्लोब्ड टूवर्ड्स दीज ड्रीन ओके यदि मैं बात कहूँ तो इफ दिस इज दैंड मार्क्स यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है ओके वॉटर इज बिंग कलेक्टेड हेयर नाउ वॉट यू डू यू सिंपली प्रोवाइड सम स्लोप टूवर्ड्स यू कंस्ट्रक्टेड डिच यहाँ पे आपने एक पॉन्ड या फिर मैं कि एक छोटा सा डिच कंस्ट्रक्ट कर दिया एंड द वॉटर इज बिंग डायरेक्टेड टू दिस एरिया नाउ हेयर वाटर विल नाउ बी कलेक्टेड इन दिस डिच ओके लैंड इज स्लोड टूवर्ड दिस ड्रेन इट इज क्लासिफाइड इन टू शेलो सर्फेस ड्रेन एंड डीप सर्फेस ड्रेन यदि हम बात करें सब सर्फेस ड्रेनेस की तो इट इज यूज वेर दॉयल इज परमियबल इनफू अलाउ द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ द ड्रेन ओके okay, क्यों हम इस यहाँ पे इस टर्म की बात कर रहे हैं वो अभी हम आगे देखेंगे तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हमें कुछ ऐसी सिस्टम्स की पाइप सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगी विच कैन ईजीली लाइक ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाइप है ओके दिस कॉरोगेटेड टाइप ऑफ पाइप हैज़ कंटेनिंग हैज कंटेनिंग सम ओपनिंग्स एयर तो इस ओपनिंग्स के थ्रू क्या होता है जो भी वाटर यहाँ पे आएगा दिस इज द लेट्स ए ग्राउंड लेवल है ये अगर

इस ओपनिंग्स के थ्रू क्या होगा द वॉटर विल बी पासिंग थ्रू दिस अलग अलग ओपनिंग से यहाँ पे पानी इस पाइप में आ गया और यहाँ पे क्या है हमने ओपनिंग दे दी है बाहर की तरफ दो दिस इज अ सब सरफेस ड्रेनेज जहाँ पे वाटर विल अल्टीमेटली भी मूविंग आउट सो दैट इज अ सब सरफेस ड्रेनेज यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर ड्रेन या ट्रेल टाइल ड्रेन कैसी होती हैं सो द वॉटर इज बींग रिसीव्ड बाई रेन और अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देयर सो इट इज रिसीव्ड डेयर Okay. and the what will happen? It will submerge, it will percolate down here, the percolation phenomena will take place and the water will get inside. Now, what happens is if you provide a drain, okay, longitudinal pipe here, which we last slide we last here. So, what will happen? Slowly, the water which was filled up to this point, now due to the drain which has been placed in this location, what will happen? The water will get inside it, and because of its protruding, protrusion outside. इट विल डिलीवर द वाटर आउटसाइड और धीरे धीरे जो पानी का स्तर यहाँ पे था ओके द वाटर लेवल विच वॉज देयर, इट विल नाउ डिक्रीज एंड इट विल कम डाउनवर्ड ओके तो हम यहाँ देख सकते हैं ऐसे जो पानी का लेवल पहले यहाँ पे था ओके दिस इज डिक्रीज नाउ टू दिस लेवल एंड ऑल्सो इट इज फाइनली जब यह पानी ड्रेन आउट हो गया है ओके okay, जो इतना ऊपर का पोर्शन था इफ दिस वाटर हैज़ ड्रेंड आउट देन द वाटर टेबल हैज़ गॉन बिलो द ड्रेनेज पार्ट अंडर ड्रेन्स या टाइल ड्रेन्स की हम बात करें दीज आर प्लेसड एट सुटेबल डेप्थ बिलो द ग्राउंड सर्फेस दीज ड्रेन परमिट डीप रूट डेवलपमेंट बाई लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल तो ये हमेशा क्या, क्या करेंगे जो भी पानी आएगा उसको क्या करेंगे ड्रेन आउट कर देंगे जब ड्रेन आउट कर देंगे तो जो वाटर टेबल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर लॉगिंग ओके अच्छा प्लेस एट सुटेबल डेप्थ बिलो द ग्राउंड सर्फेस तो ऐसी जगह पे हम करेंगे कि वहाँ पे हमारा रूट जोन एफेक्ट ना हो यानी कि इफ़ देर इज़ सम प्लांट हेयर ओके एंड इसका जो रूट जोन है वो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है तो हमेशा हम क्या करेंगे इसके रूट जोन से हम पानी को नीचे रखने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पे कैपलरी जोन से पानी भी ले ले और फ्लडिंग भी ना हो इस इस, इस वाले रूट जोन की सो दैट इज वॉट इट इज़ रिक्वायर्ड देन द थर्ड पॉइंट हेयर दे हैव देयर आउटलेट्स इन नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स तो जिस भी तरीके से हमें आउटलेट वहाँ पे मिलेगा हमें अगर कोई स्ट्रीम मिलता है पॉइंट मिलता है डिच मिलता है सो वी कैन ईजीली स्टोर द वाटर देयर उट द लेआउट ऑफ टाइल ड्रेन्स किस तरीके से टाइल ड्रेन्स को प्लेस uh, किया जाता है इन द नेचुरल सिस्टम फर्स्ट इज द नेचुरल सिस्टम दैट इज प्रेफर्ड इन द रोलिंग टेपोग्राफी आई विल टेल यू वॉट इट लुक्स लाइक सेकेंड इज द ग्रिड आयरन सिस्टम इट इज़ प्रिफर्ड इन लेवल ट्रेन ग्रिड आयरन मतलब क्या होगा कि इफ दिस इज देअर और ये एक मेन सिस्टम हो गया तो यहाँ पे कुछ सब मेन सिस्टम होगा और फिर इज सब मेन सिस्टम और यहाँ पर एक चीज़ और क्या होगा यदि एक रिस्पेक्टिव एरिया में इस एरिया को हमें इरीगेट करना है इस एरिया में पानी लेके जाना है निकालना है यहाँ से निकासी करनी है तो दिस एरिया हैज़ टू बी डेवलप्ड तो ये जो पोर्शन है छोटे छोटे दीज आर कॉल्ड एज एंड पॉइंट्स तो ये जो सिस्टम बनता है इसको हम बोल देते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम दिस सिस्टम इज ऑल इंटरकनेक्टेड सो दैट द वाटर अल्टीमेटली ड्रेन्स आउट ऑफ द इंटायर एरिया ये कहाँ पे हो सकता है इट कैन भी इट कैन बी डन इन द टेरेन थर्ड इज द हेरिंग बोन पैटर्न इट इज प्रेफर्ड वेन सम मेन इज लेड इन डिप्रेशन अच्छा ये हेरिंग मोन क्या है ये एक हेरिंग फिश होती है उसी के नाम पे पड़ा है हेरिंग फिश का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होता है हेरिंग फिश का जो बोन का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होता है ओके सो इट इज़ प्रिफर्ड वेन द सब मेन इज लेड इन डिप्रेशन तो अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा मैं कि ये किस तरीके से ये वर्क करता है देन सेकंड इज अ डबल मेन सिस्टम तो इट इज़ प्रेफर्ड वेन द बॉटम ऑफ द डिप्रेशन इज वाइड उस केस में हम डबल मेन सिस्टम फॉलो करते हैं

चला जाएगा सो द वाटर कैन बी ड्रेंड आउट लाइक दिस तो ये जैसी भी नेचुरल टोपोग्राफी होगी उसी के हिसाब से हम पाइप का लेआउट प्रोवाइड कर देंगे सेकेंड सिस्टम इट इज़ अ ग्रिड अरेंज सिस्टम यहाँ पे इफ आई से दिस इज अ मेन सिस्टम दिस इज सब मेन सिस्टम तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं थर्ड इज़ द हेरिंग बोन पैटर्न मैंने आपसे क्या कहा ये हेरिंग फिश के नाम पे मशहूर है इसका बोन पैटर्न को जिस तरीके से होता है सो so यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक तो ये यहां पे ये बीच वाला सिस्टम है दैट इज देयर यहां पे अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन है तो क्या होगा वाटर इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स एयर ठीक है यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है और इस रास्ते दैट वाटर इज गेटिंग ड्रेनड आउट तो यही आप लास्ट पॉइंट देखिए कि इट इज प्रेफर्ड वन द सब मेन इज लेड इन डिप्रेशन देन फोर्थ पॉइंट इज द डबल मेन टेरेन तो डबल मेन में क्या है इधर साइड पे भी सेम पैटर्न है इधर साइड पे भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है लास्ट पॉइंट है इज द इंटरसेप्टिंग ड्रेन जब एक हाई लैंड है ऊपर ओके okay, और नीचे नदी बह रही है दिस इज दाई लैंड दैट इज अटेनियस रीजन डेट इज देयर और यहाँ पे जो है एक स्टीम है डेट इज एट अ लोअर एलवेशन स्टीमेज भी एट अ लोअर एलिशन तो क्या होगा यहाँ पर हम एक ड्रेन जो प्रोवाइड करेंगे इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग ड्रेन तो जो भी पानी यहाँ से आ रहा होगा इट विल बी कलेक्टेड इन दिस इंटरसेप्टिंग ड्रेन और ये जो है अलग से ये निकल जाएगा इधर पर सो दिस कैन भी

दिस इज़ द ड्रेन दिस इज़ द ड्रेन ओके अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ बात करूँ तो मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि एक और ड्रेन यहाँ पर लगा दूँ एक और ड्रेन लगा दूँ जितना भी यहाँ पे विड्स कवर करनी है वी कैन simply कवर इट बट यहाँ पे क्या होगा हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कितनी स्पेसिंग है ओके okay? सो so, इसी स्पेसिंग की हम बात करेंगे और उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि यदि एक ड्रेन ये है दूसरा ड्रेन ये है और थर्ड ड्रेन इज दिस तो जो इसकी बीच की स्पेसिंग है दैट इज गिवन बाय दिस एस ओके दिस इज एस ट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टाइल ट्रेन दूसरी बात जो ये इंपरवियस स्टेटम है जो नीचे जो इंपरवियस स्टेटम है उससे कितना दूर होगा तीसरी बात कि जो ग्राउंड सरफेस है जो ये ग्राउंड लेवल है उससे कितना दूर होगा सो so, हमें ये डिस्टेंस पता करनी है ये डिस्टेंस समझ में आनी चाहिए यह कितना है और उसके हिसाब से हम फिर डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट एयर इज दिस जो सेंटर ऑफ द ड्रेन है यू कैन सी द लाइन एयर एट देंटर ऑफ द ड्रेन उससे कितनी दूरी पे है यह दट इज ए डिस्टेंस ओके जो यहाँ पे ड्रेन है उसके चारों तरफ क्या आ रहा है जो वाटर है डेट विल बी गेटिंग कलेक्टेड और वाटर टेबल यहाँ पे तो कम हो गया देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वाटर टेबल इज रिड्यूस्ड बट दिस वाटर टेबल हेयर इज़ रिड्यूस्ड बट यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे तो पानी की निकासी नहीं है तो धीरे धीरे जब पानी यहाँ पे पहुंचेगा ओके सो दिस विल ऑल्सो भी गेटिंग रिड्यूस्ड तो ये यूजली पॉइंट मीटर रहता है और जो वाटर टेबल का टॉप है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इट शुड बी बिटवीन सॉरी दिस इज द ग्राउंड लेवल इट शुड बी बिटवीन पॉइंट फोर से लेके टू पॉइंट फोर मीटर्स तो दिस इज अबाउट द टाइल ड्रेन अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं जो वर्ड्स यहाँ पे मैंशनड हैं एस इज द स्पेसिंग बिटवीन द ड्रेन ए और बी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देखिए डेप्थ ऑफ़ द इमपरवियस स्टेटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रेन तो डेप्थ ऑफ द इम्परवियस स्टेटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रेन तो दिस इज कॉल्ड एज ए Second पॉइंट दिस बी मैक्सिमम हाइट ऑफ द drained वाटर टेबल above ऑफ द basin. बेसन तो दिस वन here यहाँ से लेके impervious तक कितनी डिस्टेंस है इसको हम बी से denote कर देंगे एक्स यदि हम बात करें तो किसी भी सेंटर ऑफ द basin से horizontal डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हैं तो इसको हम एक्स बोल देंगे x distance की तरफ आप जा रहे हैं वाई डिस्टेंस डेट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ये कहाँ से है इट इज द हाइट ऑफ द drained वाटर टेबल above the द इम्परवियस स्टेट ऑफ वाटर एनी डिस्टेंस तो इन पर स्टेटम से यदि आप ऊपर जाइए तो वॉट इज द डिस्टेंस डेट इज टू बी कवर्ड दैट इज वाई तो ए बी एक्स एंड वाई एंड एस इज देयर एक फार्मूला यहाँ पे मैंशन है डेट इज एस इज इक्वल टू फोर के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्यू डी तो यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला डैट परमिबिलिटी ऑफ द सॉयल इज प्लेइंग अ की रोल जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था वैन वी आर डिस्कसिंग द सर्फेस ड्रेनेज एंड द सब सरफेस ड्रेनेज अंडर ड्रेन्स या फिर जो ड्रेन टाइल्स की हमने बात करी थी वो यहाँ पे आपके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ दिस परम्यूबिलिटी बी स्क्र एंड ए स्क्वासर एंड क्यू डी क्यू डी क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इट इज द डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ द ड्रेन ओके सो द ड्रेन इज ऑफ से मीटर तो वॉट एवर बी द डिस्चार्ज इन इट दैट इज द क्यू डी दर्म्यूबिलिटी ऑफ द सॉयल इन विच द ड्रेन और द टाइल ड्रेन इज प्लेस्ड ओके सो विद दिस दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फॉर दिस यूनिट दैट इज़ द थर्ड यूनिट नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ यूनिट ओके तो इस थर्ड यूनिट पर हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने इरीगेशन चैनल्स के बारे में बात करी वाटर लॉगिंग और उसके तमाम चीज़ों की हमने बात करी अब जो है जो नई यूनिट है डेट इज़ अबाउट द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द कैनाल पानी जो बह रहा है कैनाल में उसके डिस्चार्ज की बात करेंगे वेलासिटी की बात करेंगे उसके फुल सप्लाई लेवल की बात करेंगे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे अलग अलग चैनल्स में क्या हम देखेंगे ऑफ टेकिंग कैनाल क्या है पेरेंट कैनाल क्या है उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा हम करेंगे इवन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट इरीगेशन आउटलेट्स एंड देन वील मूव ऑन टू द यूनिट नंबर फाइव तो यूनिट नंबर फोर का यदि हम यहाँ पे सिलेबस देखें कि आपको क्या क्या पढ़ना है सो यू कैन सी हेयर इट इज़ द कैनाल रेगुलेशन एट द फर्स्ट टॉपिक देन इरिगेशन आउटलेट दैट इज द सेकंड टॉपिक एंड थर्ड इज द रिवर ट्रेनिंग तो फर्स्ट टॉपिक दैट विल be कवरिंग here इज़ द रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द canal सिस्टम क्यों करते हैं पहली चीज़ ये दूसरा कितने प्रकार के कैनाल रेगुलेशन वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं और उसके फंक्शनल aspect क्या हैं देन वी विल मूव ऑन टू द इरीगेशन आउटलेट्स वाई आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड हम इसको क्यों प्रोवाइड करेंगे दूसरी चीज़ क्या क्या टाइप्स होते हैं डिप्स मॉड्यूल क्या है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट सेमी मॉडुलर आउटलेट ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज द रिवर ट्रेनिंग यहाँ पे हम रिवर की मियाडरिंग की बात करेंगे इट्स रिवर हाउ द रिवर इज टू बी ट्रेंड एंड हाउ इट हाउ डिस्चार्ज स्टार्ट टू बी कंट्रोल्ड और वी कैन सेव द बैंक्स और द डिफरेंट डिफरेंट फ्लडिंग एस्पेक्ट्स वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग एंड स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक थैंक यू फॉर टूडे